जी वर्स, अब हम इसके कवर को हटाते हैं, ये आप देख लें। और अब ये मूंग की दाल और ये दलिया व्यूवर्स इसमें हम डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। आज ही व्यूअर्स, तो वो चीज़ ये है जो हम डालने वाले हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स हमारा बघार हो गया है तैयार, ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। व्यूअर्स क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप लोग? और हम हमेशा सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे से व्यूअर्स जहाँ भी हो खुश रहें, आबाद रहें और हर बीमारी से महफूज रहें। और आजकल व्यूअर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंगू का डेंगू फैला हुआ है और एक वायरल भी फैला हुआ है। अल्लाह ताला आपको हम सबको इन बीमारियों से महफूज रखे। तो व्यूअर्स आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सा दलिया लेकर आए हैं, इन्हीं बीमार मरीज़ों के लिए भी। मरीज़ भी बहुत शौक से खा सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर्स के पास जाएँ तो वो यही कहते हैं आप दलिया खा लें, आप ऐसी भी कोई चीज़ खा लें, क्योंकि बुखार की वजह से हमारी ज़ुबान का ज़ायका बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो व्यूअर्स मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो कि आप बनाएँ और मरीज़ को भी दें, बल्कि मरीज़ क्या पूरा घर खाएगा तो वाह वाह करेगा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला है। झटपट इसलिए कि तमाम चीज़ें हमने डालनी हैं और बस थोड़े से हमें इंतज़ार होगा कि हमारी जो दाल है और जो दलिया है वो गल जाए। तो उस वक्त तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट वैसे ये बनता बहुत जल्दी है। तो व्यूअर्स चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्यूअर्स आते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखची के अंदर मैंने पहले से पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, ठीक है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब जो हम इसमें दूसरी चीज़ डालने वाले हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास मूंग की दाल है और दलिया है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आप देख लीजिए, ये मूंग की दाल और ये दलिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए मूंग की दाल और ये दलिया, इसको मैंने व्यूअर्स कम से कम इसको अच्छी तरीके से मैंने चुना, इसको वॉश करके मैंने पानी में कम से कम एक घंटे के लिए भिगो दिया था। आपको पता है मूंग की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैं इस उबलते हुए पानी में ये दोनों चीज़ें डाल दूँगी। जी व्यूअर्स, अब हम इसके कवर को हटाते हैं, या आप देख लें कि पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। और अब ये मूँग की दाल और ये दलिया व्यूअर्स इसमें हम डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। जी व्यूअर्स, इसका मैं कवर हटाती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि ये देखिए इसमें जो थोड़ा बहुत जो ये जो इसका फेस आ जाता है जिसे झाग बोलते हैं, ये थोड़ा आप इसका निकाल दीजिए, ठीक है। ये निकाल दीजिए इस तरीके से करके। इससे पहले भी व्यूअर थोड़ा इसमें फेस आ गया था, वो मैं निकाल चुकी हूँ, मगर ये कि अब जितना भी है इससे ये है कि आपकी दालें वगैरह कुछ भी हो ना वो गलने में बहुत आसानी रहती है। तो इसको हम इस तरीके से निकाल देते हैं व्यूअर्स। और अब हम इसमें क्या चीज़ें डालेंगे, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है और ये मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जब मरीज़ खाएंगे तो यकीन करें कि वो पेट भर के खाएंगे। और मरीज़ क्या, ये जब बनता है तो पूरे घर वाले ही खाते हैं, बिल्कुल ये समझ लें कि इसका जो जायका एक हलीम की तरफ टच करता है। तो व्यूअर्स ये आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खिलाइएगा। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। 1 टीस्पून ये इसमें मैं डाल दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये डालने के बाद इसके अंदर ये मैं एक तेज़पात का पत्ता डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास व्यूअर्स रखी हुई है चिकन। अच्छा, ये चिकन का ऐसा है व्यूअर्स, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालिएगा, अगर आप इसमें इसी में डाल दीजिएगा, इसके लिए कोई आपको अलग से सालन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप डाल दें, आपको ये बहुत मज़ा देगा। और चिकन की वजह से इसका जो दाल और ये जो दलिया है इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा और आपको बहुत मज़ा देगा, ठीक है। ये मैं तमाम चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद व्यूअर्स इसको हम थोड़ा सा हिलाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने चिकन इसमें जो डाली है ना, ये 1 पाव के करीब है, ठीक है। इसमें हड्डी नहीं है, सिर्फ ये इसमें बोटियां थी इसकी बोनलेस, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो मैं इसमें डालने वाली हूँ व्यूअर्स, ये है मेरे पास हल्दी, ठीक है। ये मैं इसमें हल्दी डालूँगी, ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ,
सॉरी व्यूअर्स, किचन है तो ये कुछ खटपट होती रहती है। तो और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ही ये रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्च है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आप हल्का खाते हैं तो व्यूअर्स हल्का डालिएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो डाल दीजिएगा। अगर सिर्फ आप वैसे ही घर वालों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इस इनमें चीज़ें जाएंगी, और इसके बाद जो व्यूअर्स इसमें जो चीज़ जाएगी वो है थोड़ा सा नमक, ठीक है। नमक हमेशा की तरह हसबे जायका ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने अभी इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है, बाद में हम देखेंगे अगर परफेक्ट है तो सही है, और नहीं तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ठीक है। और व्यूअर्स ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, कोई भी किस्म की दाल है कुछ है और अगर इसको हमें गलाने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो व्यूअर्स अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ना तो ऑयल से ये जो दालें हैं ज़रा जल्दी गलने में मदद देती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है व्यूअर्स। इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी जी व्यूअर्स। अब इसमें व्यूअर्स कुछ भी नहीं जाएगा, सही है, बस इनफ। बस ये सारी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितना कोई हमने अलग से कोई भी चीज़ नहीं करनी है, तमाम चीज़ें इसमें डाल देनी है और इसका कवर बंद कर देना है। जब व्यूअर्स ये उबल जाए अच्छे तरीके से तो आप इसका जो फ्लेम है हम इसको थोड़ा स्लो कर देंगे, स्लो आंच पर ये पक जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, सही है, ये मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ इसकी ये कंडीशन, ये इस तरीके से ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी। ये अभी गल रहा है, और साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारी जो हमने चिकन की जो बोटियाँ डाली थी ये भी गल रही हैं इसके अंदर ही, ठीक है। और अभी ये मैंने आपको बीच में से दिखाया है, और फिर जब ये और थोड़ा सा गल जाएगा फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि फिर हम इसके साथ क्या करेंगे और हमने और इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जिससे इसका जायका और बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो इसे मैं दोबारा कवर करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे जब ये गल जाएगा। जी व्यूअर्स ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ज़बरदस्त, ये देखिए ये हो चुका है। अब जो व्यूअर्स जो इसके अंदर हमने जो चिकन डाली थी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसके अच्छे से रेशे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जब आप हर बाइट लेंगे और आपके मुंह में रेशा आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर नहीं तो आप इसको इस तरीके से आप डोई ले लें या आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जैसे ये देखिए कैसी गल गई है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इसकी जो है तमाम बोटियां जो हैं इस तरीके से करके हम ये इस तरीके से आप ये देख सकते हैं हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि जो बोटियों को हमने अच्छे तरीके से ये आप ये देख लें इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल बारीक कर दिया है, ठीक है। अब ये तमाम जो है चिकन हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। व्यूअर्स अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा ये हरा धनिया है ये डाल देंगे, और थोड़ी सी ये हरी मिर्च है, अगर आप चाहें तो डालिएगा और नहीं तो नहीं डालिएगा, ये डाल देंगे। तो व्यूअर्स क्या चीज़ है वो ये चीज़ है जो हम इसमें डालने वाले हैं जो देगी इस दही को बहुत ज़्यादा जायका और मज़ा, जब आप खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो व्यूअर्स ये है चिकन क्यूब्स, इसको हम 4 टुकड़े करके इस तरीके से डाल देंगे कि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल जाए। तो ठीक है व्यूअर्स, चीज़ें तो हम व्यूअर्स सब वैसे ही बना रहे होते हैं, मगर इसमें कुछ क्रिएशन ऐसी करनी चाहिए कि जो खाने वाला कहे कि वाकई में, और मरीज़ खाए तो कहे कि वाकई में आज तो मेरा पेट भर चुका है। तो व्यूअर्स ये बहुत मज़ेदार है, ये देखिए हमने जो अच्छे तरीके से मैश कर लिया था वो इसमें डाल दिया है, आपको इसके रेजे इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। और हमारा दलिया ज़बरदस्त तरीके से व्यूअर्स एक जो लास्ट आइटम रह गया है वो भी मैं आपको बताऊँगी तैयार होने वाला है, और ये तैयार बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब तर है बिल्कुल, और ये बहुत मज़े का है। ये आप खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये तो लग रहा है बिल्कुल हलीम, तो हम इसको जायका भी कुछ ऐसा ही दे रहे हैं व्यूअर्स कि ये आपको हलीम का जायका लगे। व्यूअर्स अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमारा होममेड गरम मसाला है, हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे।
तो बस इससे भी बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर बनाइएगा। ये दलिया आपने देखा कितना फटाफट ये दलिया बन गया है, और ये आप इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से स्टेयर कीजिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट आइटम है इसे हमें भगाड़ देना है, तो वो हम किस चीज़ का भगाड़ देने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फिर हम इसे भगाड़ देंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने फ्राई पैन में 1/2 कप तेल ले लिया है, और ये 2 अदद मैंने मीडियम प्याज ली थी व्यूअर्स, इसके मैंने स्लाइस कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। जी व्यूअर्स, बस हमें प्याज का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेकर जाना है, हमने इसे लाइट ही रखना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारा बघार हो गया है तैयार, आप ये देख सकते हैं कि ये प्याज हो गई है फ्राई, ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। और ये आप व्यूअर्स, जिस तरीके से हमने ये दलिया बनाया है ज़रूर बनाइएगा, और मैं समझती हूँ कि मरीज तो सहतियाब हो गई होगा, क्योंकि इसमें बड़ी 2 ताकतवर चीज़ें जा गई हैं व्यूअर्स। एक तो दलिया है, और सेकंड हमारे इसके अंदर है मूंग की दाल। आपको पता है कि मूंग की दाल मरीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है व्यूअर्स, और जिस तरीके से ये दलिया हमने बनाया है, जिस तरीके से हमने ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स आपको बताए हैं, तो प्लीज़ आप इसको इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मरीज़ तो खाएंगे मगर उससे ज़्यादा घर वाले खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार एक किस्म का ये जो चीज़ हमने बनाई है, और ये हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है व्यूअर्स। अलग अलग शुक्र है, हमारे यहाँ सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, मगर ये है कि ये दलिया मेरे बेटे ने कहा मम्मा ये ज़रूर बनाए, उसका बहुत दिल होता है खाने का ये दलिया, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं बनाती हूँ घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी। तो व्यूअर्स, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का दलिया लग रहा है। अब मैं इसको आपको गार्निश करके बताती हूँ। हमारा बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट दलिया तैयार हो चुका है, इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, और ख़ास तौर से उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो इस वायरल में बेचारे मुब्तला होकर थोड़े ठीक हुए हैं, तो उनकी ज़ुबान ख़राब हो जाती है, तो बस जब वो खाएंगे तो वाकई में दिल से दुआ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार दलिया है, और ये ज़रूर आप बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, और मेरी इस रेसिपी को दिल चाहे तो जहाँ जहाँ है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।